हेलो फ्रेंड्स, 20 दिसंबर 2019 को रिलीज होने वाली ये मूवी जिसमें आप सलमान खान को मुन्ना बदनाम हुआ सॉन्ग में देखने वाले हैं, जो कि इस मूवी का आइटम सॉन्ग रहेगा, जो कि इंस्पेक्टर चुलबुल पांडे पर फिल्माया जाएगा। लेकिन इस मूवी से जुड़ी एक बड़ी खबर आ गई है कि इस आइटम सॉन्ग में हमें सलमान के ऑपोजिट कौन सी एक्ट्रेस आइटम नंबर करती हुई दिखाई देंगी। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम दबंग 3 से जुड़ी अपडेट्स के बारे में बात करेंगे, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। वेल फ्रेंड, प्रभु देवा जो के दबंग 3 को डायरेक्ट करेंगे और इसकी शूटिंग भी शुरू हो चुकी है। प्रोडक्शन की बात की जाए तो सलमान खान, अरबाज खान और निखिल इस मूवी पर पैसा लगा रहे हैं, जबकि स्टार कास्ट में सलमान खान, किच्चा सुदीप, सोनाक्षी सिन्हा, अरबाज खान और माही गिल शामिल होंगे। बढ़िया कास्ट वाली इस मूवी का एक आइटम सॉन्ग होगा जिसका टाइटल होगा मुन्ना बदनाम हुआ, और इसमें हमें वरीना हुसैन देखने को मिलेंगी, जो के लव यात्री मूवी में डेब्यू कर चुकी हैं बॉलीवुड में। लव यात्री मूवी को प्रोड्यूस सलमान खान ने ही किया था, तो बढ़िया रहेगा वरीना हुसैन को सलमान खान के ऑपोजिट डांस करते हुए देखकर। म्यूजिक की बात की जाए तो साजिद वाजिद ने इस मूवी के लिए म्यूजिक दिया है, जो कि एक एक्शन फिल्म होगी और दबंग 2 से बढ़कर इसमें एक्शन दिखाया जाएगा। पहले दोनों सीक्वल बहुत ज्यादा फेमस रहे हैं और अच्छी खासी कमाई भी कर चुके हैं, तो दबंग 3 इससे भी बढ़कर होने वाली है। तो जिस तरह पहले दोनों सीक्वल में आइटम सॉन्ग्स को बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली, इसी तरह दबंग 3 में भी यही उम्मीद की जा रही है कि मुन्ना बदनाम हुआ सभी सोशल मीडिया पर छा जाएगा और चार्ट बस्टर रहेगा। तो भारत मूवी के बाद अब भाईजान की मूवी दबंग 3 का आपको कितना है इंतजार, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर दें, और सलमान खान के कितने बड़े हैं फैन अपना कमेंट जरूर पोस्ट करें। और अगर वीडियो और जानकारी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।